नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस, हम डिटेल में देखेंगे। अब ये रिवर्स प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस के, लेकिन एज इट इज़ वही स्टेप नहीं फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास थ्री स्टेप्स होते हैं एक्सर्गोनिक, जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। वो स्टेप्स हैं मेनली 1, 3 एंड 10। ये इन स्टेप्स में आप देख सकते हैं ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। इसमें वापस एनर्जी इतनी रिलीज़ हो रही है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फेनॉल पाइरोवेट, जब पाइरोवेट में कन्वर्ट होता है तो इसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ओवरऑल हमारे पास 72.4 किलो जोल मोल एनर्जी रिलीज़ होती है जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, ये यहाँ पर स्टेप नंबर 1 है, ये 3 है और ये 10 है, जिसका मैंने आपको बताया कि वो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है। जो नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम इन्हीं तीन स्टेप्स को देखें ग्लूकोनियोजेनेसिस में, तो वो इसके ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ग्लाइकोलिसिस का एक रिवर्स प्रोसेस है। इसमें यही तीनों स्टेप्स, जिसमें ये एक्सर्गोनिक है, इनमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इनमें हमें एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, जो हमारे पास स्टेप नंबर 10 है, जो कि ग्लाइकोलिसिस में 10 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें पाइरोवेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोनॉल पाइरोवेट में। अब ये पाइरोवेट फॉस्फोनॉल पाइरोवेट में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन इसके लिए हमें दो स्टेप्स फर्दर हमारे पास होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें हमारे पास जो फॉस्फोनॉल पाइरोवेट वो पाइरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट, लेकिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में पहले फॉस्फोनॉल पाइरोवेट हमारे पास कन्वर्ट होता है, सॉरी पाइरोवेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, देन फॉस्फोनॉल पाइरोवेट। ठीक है, इसमें दो स्टेप्स आते हैं। जो स्टेप 3 है उसमें फ्रुक्टोज 1,6-5-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रही है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में, और स्टेप 1 में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज ग्लूकोज में। ठीक है, ये तीन स्टेप्स हैं जो रिवर्स चलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जो कि ग्लाइकोलिसिस में स्टेप सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आता है वापस स्टेप नंबर 10 में। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। अगर हम इंजाइम्स की बात करें तो इंजाइम्स हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में कौन से यूज़ हो रहे हैं, जैसे ये स्टेप नंबर 1 है, ये 3 है और ये हमारे पास 10 है। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास हेक्सोकाइनेज इंजाइम यूज़ हो रहा है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ठीक है, जो काइनेज इंजाइम होते हैं उन्होंने ऐड करना होता है कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे फॉस्फेट इसमें ऐड हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस में जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज इंजाइम यूज़ होता है। फॉस्फेटेज इंजाइम का क्या काम होता है, उसने किसी फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड स्टेप, उसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इंजाइम यूज़ हो रहा है, और इसी प्रोसेस में अगर हम देखें फ्रुक्टोज 1,6 जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो इसमें भी फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेटेज इंजाइम, मतलब जैसे हमने इधर काइनेज इंजाइम पढ़ा यहाँ भी काइनेज इंजाइम। काइनेज इंजाइम का क्या काम होता है, एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और फॉस्फेटेज इंजाइम का क्या काम है, उसने रिमूव करना है किसी फंक्शनल ग्रुप को। अगर हम स्टेप नंबर 10 में देखते हैं, स्टेप नंबर 10 जो मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट है ग्लाइकोलिसिस का और ग्लूकोनियोजेनेसिस का, इसमें फॉस्फोइनोल पाइरोवेट कन्वर्ट हो रहा है पाइरोवेट में, इसमें पाइरोवेट काइनेज इंजाइम है, लेकिन जब हम यही प्रोसेस देखें ग्लूकोनियोजेनेसिस में तो पाइरोवेट डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता फॉस्फोइनोल पाइरोवेट में, पहले वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, देन वो कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरोवेट में। अब इस प्रोसेस के लिए हमारे पास दो एंजाइम होंगे, पाइरोवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, और फॉस्फोइनोल पाइरोवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम। इन स्टेप्स को अब हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, जिसमें पाइरोवेट कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पाइरोवेट में।
फोस्फोइनोल पायरोवेट में पायरोवेट डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, पहले वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, देन ऑक्सैलो एसीटेट फोस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। अब ये कैसे हो रहा है, इसमें हम देखते हैं जो पायरोवेट है उसमें जब वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, तो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है पायरोवेट कार्बोक्सीलेज। ठीक है, अब इस एंजाइम के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्बोक्सीलेशन हो रही है, एडिशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इनटू पायरोवेट। ठीक है, ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऐड हो जाएगी हमारे पास पायरोवेट में, तो क्या होगा, ये कार्बोक्सीलेशन का प्रोसेस, पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्सैलो एसीटेट में। ठीक है, और एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी और फॉस्फेट में, और हाइड्रोलिसिस होगी, इसमें हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस भी होगा, और हमारे पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम बच जाएंगे, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी और फॉस्फेट में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐड हो जाएगी पायरोवेट में, जिसे हम कहेंगे कार्बोक्सीलेशन का प्रोसेस है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो ऐड हो गया पायरोवेट में और इसने बना दिया ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, अब जो पायरोवेट कार्बोक्सीलेज इंजाइम है वो कुछ आइडेंटिकल सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, उसमें एक डिमेन होती है जो कोविलेंटली अटैच होती है बायोटिन प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ। बायोटिन क्या, हमारे पास एक को इंजाइम है, जो ये बायोटिन बाइंडिंग डोमेन होती है वो यूज़ होती है बाइंड करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, बाइंड होती है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ। कार्बोक्सिलेज एंजाइम पास दो डोमेन होती हैं, एक डोमेन जो होती है वो कोविलेंटली अटैच होती है बायोटिन प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ। बायोटिन हमारे पास एक को इंजाइम है जो कि यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ, ये बाइंड होती है और इसको लेके जाती है एंजाइम की एक्टिव साइट पर। जो सेकेंड डोमेन है हमारे पास वो बाइंड होती है एटीपी के साथ और एक्टिवेट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को।